नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं। पटना में आपने अक्सर देखा होगा कि जहां तहां लोगों द्वारा खाली बोतलों को फेंक दिया जाता है। इन प्लास्टिक की बोतलों की वजह से कितनी परेशानी होती है, इस बात का अंदाज़ा शायद हमें और आपको नहीं होगा। राजधानी पटना में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए लगातार नए नए उपाय किए जा रहे हैं। राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार जगह जगह पर पेड़ पौधों को लगाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ डीजल से चलने वाले ऑटो और बसों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जबकि यहाँ पर पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाया गया है। हालांकि कुछ लोग फिर भी पॉलीथीन को उपयोग में ले ही आते हैं, शायद उन्हें यह नहीं पता होगा कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, जो खुद से रिसाइकल नहीं हो पाता है, इसलिए उसको रिसाइकल करके पुनः इस्तेमाल में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर लोग प्लास्टिक के बोतलों और थैलों का उपयोग करके जहां तहां फेंक देते हैं, जबकि इन्हें एक जगह जमा करके उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है, ताकि फिर से उसे इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के रूप में लाया जा सके। पटना नगर निगम ने भी अब इस मामले को गंभीरता से लिया है। निगम ने प्लास्टिक के बोतलों और चिप्स, कुरकुरे जैसे खाली पैकेट्स को रिसाइकलिंग करने के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाया है, जिसमें एक बार में 3000 बोतलों को क्रश किया जा सकता है। निगम के तरफ से पटना के 2 जगहों पर रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाया गया है। इनमें एक मशीन बोरिंग रोड चौराहा और दूसरा मशीन डाक बंगला चौराहा से सटे मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में लगाया गया है। पटना में लगाए गए रिवर्स वेंडिंग मशीन में 2 कक्ष मौजूद हैं। मशीन के दोनों कक्षों में अलग अलग चीज़ों को रिसाइकलिंग किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन मशीनों द्वारा क्रश किए गए प्लास्टिक को सेल भी किया जाएगा, जो क्रश होने के बाद एक हाई प्लास्टिक मटेरियल के रूप में तब्दील हो जाता है। लोगों को RRR के कॉन्सेप्ट के तहत प्लास्टिक की चीज़ों को रिसाइकलिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन तीनों R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना। जहां तक इन रिवर्स वेंडिंग मशीनों की खासियत का सवाल है, तो यह बताया जा रहा है कि यह डिजिटल सेंसर के आधार पर काम करती है, जो यह विश्लेषण करने में सक्षम है कि उसमें प्रवेश की गई बोतल खाली है या उसमें कुछ भरा हुआ है, क्योंकि यह मशीन सिर्फ खाली बोतलों को ही स्वीकार कर उसे क्रश कर सकती है। भरी हुई बोतलों को यह मशीन स्वीकार नहीं कर पाती है। मशीन में जब बोतल को स्वीकार किया जाता है, तब उसमें लगे डिस्प्ले पर मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आता है, जिस पर ग्राहकों को संदेश भेजा जा सकता है। जब इस मशीन का कंटेनर 3/4 भर जाता है, तो यह अपने हैंडलर को मैसेज करके इसकी जानकारी देता है। एक बार में यह मशीन 3000 बोतलों को क्रश करके रिसाइकल कर सकता है। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।